दोस्तों, आप सभी का जन्मदिन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लिए बहुत ही विशेष टॉपिक लेकर आए हैं जिस पर पूरे देश में, समाज में, हर जगह पर चर्चा का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपको शायद यकीन नहीं होगा कि आप अगले दिन जब आप उठेंगे और आपको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा तो ये आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि देश में ऐसा कानून आ गया है कि जिससे आपको कभी भी कहीं भी आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। तो इसी पर, इस कानून का नाम है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2019। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार जी, अभी अभी देश की संसद में ये कानून पास हुआ है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, तो क्या ये वाकई आतंकवाद को रोकने के लिए कानून है या पूरे देश में, समाज में, जो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और एक खुलेपन के लिए जो बातें करते हैं उनको दबाने के लिए, उनको डराने के लिए एक कानून बनाया गया है? जी प्रमोद जी, देखिए, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है, इसको यूएपीए के नाम से, यूएपीए अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जाना जाएगा, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 2019, या इसको हम हिंदी में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन अधिनियम 2019 के को कहते हैं। अगर इस पूरे एक्ट को अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि देश में एक नई व्यवस्था और संविधान परक बात करने वाले लोगों को रोकने की कोशिश और जो लोग प्रतिपक्ष की भूमिका में काम कर रहे हैं, जो सरकार को सियासत्ता को आईना दिखाने का प्रयास करते हैं, जो सामाजिक जो क्षेत्रों से जुड़े हुए और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जो किसी भी रूप में सरकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करते, उनके गलत नीतियों का विरोध करते हैं, उनको कैसे डिटेन किया जाए, कैसे सलाखों के अंदर डाला जाए, मैं इतना ही कहूंगा, ये वही अधिनियम है। आज मैं आपके बीच, मीडिया के बीच, सोशल मीडिया पर बोल रहा हूं, कल मुझे भी ये कह सकते हैं कि आपने सरकार के खिलाफ बोला या आप देशद्रोही और आतंकवादी से जुड़े हुए शब्दों को कैप्चर करते हैं क्योंकि आप सरकार और प्रतिपक्ष के खिलाफ बोलते हैं। तो ये किसी भी सूरत में देश के लिए, राष्ट्र के लिए और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए इस प्रस्तावना और प्रस्तावित संविधान के लिए उचित नहीं है। ये अनलॉफुल एक्ट नहीं, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट नहीं है, ये अनलॉफुल एक्ट बना है जिसका कहीं से भी मैं समझता हूं कि जिसकी जरूरत आज के डेट में नहीं थी। क्या इससे लॉ में बनाया गया है, मैं कुछ पॉइंट आपको रखूंगा ताकि जो लोग जो नहीं जानते हैं वो सुन सके। लोकसभा में एक नया आतंकवाद विरोधी कानून, जिसको आप यूएपीए कह रहे हैं, पास किया गया है। इसमें पहला है कि सरकार किसी भी व्यक्ति को, देखिए, किसी भी कॉमन व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है, उसका विशेषाधिकार है और इसकी जांच स्टेट के डीजीपी को भी नहीं दिया जाएगा, ये उनके इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के हिसाब से चलेगा। दूसरा, भले ही उनके जिसको गिरफ्तार किया जाएगा आतंकवादी केस में, भले ही उसके खिलाफ कोई एफआईआर हो, कभी उसका जो छवि हो बहुत स्वच्छ हो, उसका छवि जो है वो किसी पॉलिटिशियन की हो, उसका छवि किसी सोशल एक्टिविटी जो से जुड़े लोगों की हो, सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छे काम कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं होगा। दूसरा, किसी को भी भले उसका आपराधिक रिकॉर्ड हो या नहीं हो, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं होगा, सीधे उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा आतंकवादी साठ गांठ में। तीसरा, कि अगर किसी को आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है या आतंकवादी घोषित कर दिया गया तो उसकी नागरिक की जिम्मेदारी होगी, उस नागरिक की जिम्मेदारी होगी कि वह खुद को सज्जन नागरिक कैसे सिद्ध करे। ये बहुत बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, उसकी प्रॉपर्टी भी सीज कर दी जाएगी, मतलब परिवार को भी नस्नाबूत कर दिया जाएगा, उसके जो परिवार के लोग हैं वो सड़क पर आ जाएंगे। और चौथा,
कि आतंकी गतिविधियों में सम्मिलित होने की आशंका के आधार पर किसी अकेले व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। जो आप अगर इस चीजों को देखेंगे तो इसका कहीं कोई हाथ पैर नहीं है, इसके बचाव के लिए जस्टिस के लिए जस्टिफिकेशन का कहीं दिया ही नहीं गया है। और पांचवा है कि आतंकियों की आर्थिक और वैचारिक मदद करने वालों और आतंकवाद के सिद्धांत पर प्रचार करने वालों को आतंकवादी घोषित किया जाएगा। अब ये कैसे साबित होगा कि कौन व्यक्ति आतंकवाद का प्रचार कर रहा है, कौन व्यक्ति आतंकवाद में संलिप्त है, क्योंकि इसकी जांच न स्टेट को दी जाएगी, न इसकी जांच लोकल कमेटी करेगी, न उसकी जांच को अपनी बात रखने का कोई मौका दिया जाएगा। पांचवा, उसके बाद जो छठा है कि आतंकवाद के मामले में एनआईए का इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी भी जांच कर सकेगा, लेकिन डीजीपी जांच नहीं करेगा। यानी सरकार, गृह मंत्रालय ने पूरी व्यवस्था अपने हाथ में कैप्चर करके रखा। और नेक्स्ट, आतंकवादी गतिविधि का संपत्ति जब्त कर, आतंकवादी जो गतिविधि में जिनको पाया जाएगा, जो जिनको आरोप के आधार पर भेज दिया जाएगा, उनकी सारी जो संपत्ति है वो सीज कर दी जाएगी। और सीज करने के बाद, संपत्ति जब्त करने के से पहले एनआईए के अपने महानिदेशक से मंजूरी लेनी पड़ेगी। और सबसे लास्ट है वो ये कि इस कानून में आतंकवाद की कोई निश्चित परिभाषा नहीं दी गई है। मतलब आतंकवाद क्या है, आतंकवाद किन परिभाषाओं को डिफाइन, किन परिस्थितियों को डिफाइन करेगा, ऐसी कोई भी बात उसमें, उस एक्ट में नहीं दिया गया है। तो कुल मिलाकर ये मैं कह सकता हूँ कि देश के अंदर, राष्ट्र के अंदर जो सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर किसी दूसरे दल के विचारधारा को मानते हैं, उनको कैसे डिटेन किया जाए, और जो सामाजिक क्रांति से जुड़े लोग हैं उनको किस तरीके से उनके बोलने पर अंकुश लगाया जाए, उनको डराया जाए, धमकाया जाए, और जो सामाजिक क्रांति के अगुवा हैं, जो सरकार और प्रतिपक्ष के गलत नीतियों का विरोध करते हैं, उनको कैसे सराखों में डाला जाए। बस यही एक पर्याप्त काम किया गया है इस एक्ट में, इसके अलावा और कोई इसका दूसरा रास्ता नहीं है। आतंकवादी हमले होते रहेंगे और सरकार ही कराएगी, होते नहीं रहेंगे, सरकार कराएगी इसको, क्योंकि वोट की राजनीति करनी होती है। आपने देखा होगा 2001 में सरकार अमरनाथ यात्रा पर हमला होता है सरकार बीजेपी की, 2002 में हमला होता है सरकार बीजेपी की, 2007 में हमले होते हैं सरकार बीजेपी की, अब 2019 में कल भी ऐसे कुछ न्यूज में आ रहा था कि कहीं बारूदी सुरंग मिलने के मिला है, कहीं राइफल मिला है, सरकार किसकी है, बीजेपी की। मैं ये जानना चाहता हूं कि 70 सालों में जब कांग्रेस की सरकार या दूसरे दलों की सरकार रही, तब अमरनाथ पर हमला क्यों नहीं होता है, ये पूरा सवाल इसके तह में जाने की जरूरत नहीं है। आप भी समझ रहे होंगे, देश का आवाम भी समझ रहा है, जो कम से कम अंधभक्त नहीं है वो लोग समझ रहे हैं कि सरकार किस दिशा में जा रही है, देश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है। एक नया आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, अगर आप एक एटीएम से अगर एक ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर आप अपना कैश विड्रॉ के अलावा अगर आप बैलेंस भी चेक करेंगे तो 23.60 रुपए आपके अकाउंट से कट जाएगा। जरा देश की जनता को बताने की जरूरत है कि आप कहां बैठे हैं, आपने किस सरकार को चुना है, और बारी बारी से आपके एक कानून को नेशनाबूत किया जा रहा है। जी, गौपथ स्मार्ट मेमोरी आयुर्वेदिक सिरप जो आपकी याददाश्त को बढ़ाता है, दिमाग को तेज करने के साथ साथ पढ़ाई के वक्त आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए क्लिनिकली टेस्टेड रामबाण सिरप है कि इसको ऑर्गेनिक जड़ी बूटियों से बनाया गया है, यानी इस्तेमाल की गई जड़ी बूटियों को जहरीले केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स या खाद से तैयार नहीं किया गया, और ये पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है। माई मेमोरी स्मार्ट मेमोरी, आई एम स्मार्ट गर्ल, आर यू?